बमुश्किल दो पल मिले थे इस जिंदगी में, बमुश्किल दो पल मिले थे इस जिंदगी में, एक मोबाइल ने ले लिया और दूसरा सीटी ने। नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों का। निश्चित रूप से आज राजस्थान में ऐसा कोई हमारा साथी नहीं है जो तैयारी कर रहा है किसी न किसी वैकेंसी की और वो सीटी से परेशान न हो, क्योंकि सरकार द्वारा ये योजना बनाई इसलिए गई थी कि आप और हम जैसे जो साथी हैं, जो लगातार तैयारी करते रहते हैं किसी न किसी वैकेंसी की, उसको थोड़ा सा उलझाया जा सके। निश्चित ही आप सभी समझ चुके हैं कि ये सीटी लाई इसलिए गई थी ताकि जो एक चरण जो और बढ़ाया जा सके आपको सफलता प्राप्त करने में या किसी भी वैकेंसी को क्रैक करने में। पात्रता परीक्षा है सीटी, सभी को पता है। अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सामान्य पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें कि जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो 24 वैकेंसियां थी, शुरुआत जब हुई थी इसकी तब 24 वैकेंसियों को बताया गया था कि इस 24 वैकेंसियों के लिए ये पात्रता परीक्षा होगी। आपको ये पात्रता परीक्षा हासिल करने के बाद ही इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल माना जाएगा। हालांकि इसमें मंशा ये थी कि जो बेरोजगार हैं उनको थोड़ा जो है बिजी रखा जाए, थोड़ा सा एग्ज़ाम से जो है जो वैकेंसीज है उसको थोड़ा डिले किया जा सके। तो निश्चित ही आप सभी के सामने आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यही है। राजस्थान का कोई भी मेरे नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसके बारे में आज चिंता न कर रहा हो, चाहे वो पिछले जो सीईटी था जो जनवरी और फरवरी माह में आयोजित हुई थी परीक्षा, जिसका रिजल्ट जो है वो मार्च अप्रैल और मई के महीने में आ चुका है। तो अप्रैल और मई वाले रिजल्ट वाले भी इससे परेशान हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सीईटी लेने के बाद, सीईटी 2023 के बाद जो वैकेंसी जारी होनी थी, जो 8 वैकेंसियाँ और 7 वैकेंसियाँ 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जारी करने वाले थे, उसमें से केवल 2 ही वैकेंसियाँ जारी हो पाई चुनाव से पहले, जिसमें एक जूनियर अकाउंटेंट थी और एक थी राजस्थान पुलिस, जो दोनों ही अभी तक अधर में लटकी है। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होने वाला है अगले माह, उसका भी एग्ज़ाम है। तो निश्चित ही ये जो सीटी था 2023 वाला, वो पूरी तरीके से फ्लॉप गया है, ये हम कह सकते हैं फेल गया है। वो फेल इसलिए कहेंगे क्योंकि जो इन्होंने वादा किया था, सरकार ने जो वादा किया था हमसे कि 8 और 7 जो 15 वैकेंसी हम सीटी के थ्रू लेंगे, वो सरकार उनका नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाई। तो क्या आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या जारी रहेगा सीटी, मतलब कि सीटी को कंटिन्यू किया जाएगा या नई सरकार बनने के बाद इस पर कोई विचार किया जाएगा, क्योंकि ना तो उसका 15 गुना और 40% वाला जो है जो मैटर था उसको भी सॉर्ट आउट नहीं किया गया। और अभी तक अधर जूल में आप देखिए, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम आ चुका है, महीना 1.5 महीना बचा, अभी तक ये नहीं पता है कि क्या उसमें 15 गुना वालों को ऐड किया जाएगा या 40% वालों को ऐड किया जाएगा। तो अब जो वैकेंसी की तैयारी करने वाला है वो किस मंशा से तैयारी की करे, आप सोचिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं वहां तक या उस एग्जाम हॉल तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं। क्या मुझे 15 गुना में लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो क्या मैं 15 गुना के अंदर आता हूं, क्योंकि फॉर्म सभी से अप्लाई करवा लिया सरकार ने, तो किसी को पता ही नहीं है कि वो 15 गुना में आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से अभी सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जारी रहेगा सीईटी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक सीटी के बारे में जितनी भी न्यूज़ मिली है या हम अधीनस्थ बोर्ड से जो भी हमें न्यूज़ प्राप्त हो रही है, उसमें यह है कि सीटी जारी रहने वाला है। तो क्या ये जो 1 वर्ष का इसका कार्यकाल था, देखिए अप्रैल के महीने में रिजल्ट आ चुका था और एक सीटी का रिजल्ट जो है वो मई के महीने में आया, तो इनका अगर परिणाम से अपन 1 वर्ष जोड़ें तो आप कहेंगे सर ये कहाँ लिखा है परिणाम से 1 वर्ष, क्या फरवरी में हुई तो फरवरी में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से इसके नोटिफिकेशन में, मैं आपको भी बताऊंगा आगे हम देखेंगे कि स्पष्ट रूप से इसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि परिणाम से 1 वर्ष तक ये जो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। तो क्या पिछले बार जिनके नंबर आए हैं वो लोग जो है दोबारा दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने अंक बढ़ा सकते हैं, अपने आप को रिवाइज करवा सकते हैं इसके अंदर, और जो नए विद्यार्थी हैं या जो नए सीटी जो बेरोजगार हैं वो भी जो है सीटी दे सकते हैं और स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्या सीटी जारी रहेगा, निश्चित रूप से सीटी
जारी रहने वाला है। फिर भी जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार द्वारा जो सीटी समाप्त कर दिया जाएगा, फिर भी देखिए अनिश्चितताओं का खेल है राजस्थान में, आप सभी को पता है। कल जो है रिजल्ट जारी होने वाला है, नई सरकार बनेगी, हो सकता है कि पुरानी सरकार वाले जो है वो भी रिपीट कर सकते हैं, नई सरकार भी बन सकती है। पर मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये दोनों ही सरकारों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एक बहुत बड़ी 25 लाख बेरोजगारों की राजस्थान में जो भीड़ है उसको कैसे बिजी रखा जाए। साल में दो बार एग्ज़ाम करवाइए, पात्रता दीजिए, फिर जो वैकेंसियाँ उसको धीरे धीरे जारी करते रहिए। तो कुल मिलाकर जो एग्ज़ाम का जो दौर था, या हम कहें एग्ज़ाम का जो दबाव था, उसको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, वो दबाव थोड़ा सरकार के ऊपर कम होगा और लगातार वैकेंसियाँ आती रहेंगी। नहीं भी आती रहेगी तो बच्चा जो है जो तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा बिजी रहेगा, आप और हम थोड़े बिजी रहेंगे। तो निश्चित रूप से सीईटी रहने वाली है, तो इसका जवाब आपको मिल गया। इसके अलावा भी जो आपके प्रश्न हैं, दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें कि इस वैकेंसी से, या हम कहें इस सीईटी के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां हमारे ली जा सकती है, या फिर हम कहें कि अभी तक कौन कौन सी भर्तियां जारी होने की संभावना है, जो सीईटी में वादा किया गया था वो 15 भर्तियां कौन कौन सी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही जो आगामी भर्तियां हैं, देखिए बिना सीईटी की भी बहुत सारी वैकेंसियां हमारे यहाँ होने वाली है, निश्चित रूप से होने वाली है, और वो कौन कौन सी है उस पर भी हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे। चलिए देखते हैं, पूरी जानकारी देंगे आपको, सिलेबस का भी जानकारी देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, रणनीति के बारे में भी जानकारी देंगे आपको कि आपको किस प्रकार से इस सीईटी को क्रैक करना है। सबसे बड़ा सवाल आज जो सबसे बड़ा है हमारे सामने कि क्या किस तिथि को या कब फॉर्म निकलेंगे सीईटी के, या किस तिथि, देखिए मई और अप्रैल तक तो पुरानी सीईटी की पात्रता सभी के पास पता है कि यहाँ तक तो रहने वाली है, इसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है, मई और अप्रैल तक तो इसकी पात्रता रहनी है। तो आज अगर हम आज से देखें कि क्या आगामी एक महीने दो महीने में वैकेंसी जारी कर सकती है सरकार, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब अनिश्चितता है, सरकार कौन सी बनती है उस पर निर्भर करता है, फिर भी मैं बता दूं कि अगले महीने दिसंबर जनवरी, या हम कह रहे हैं इस सेशन में जनवरी फरवरी तक का जो सेशन है, जिनकी जो है डेटें आ चुकी है एग्ज़ाम की, वो एग्ज़ाम होने हैं, बट आप मान के चलिए कि ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है, या ये जो नई सीईटी आएगी, ये निश्चित रूप से जो है मई के बाद ही होना है, एग्ज़ाम जो होना है वो मई के बाद ही होना है। तो आपके पास करीब करीब 6-7 महीने अभी भी इस वैकेंसी की तैयारी के लिए पड़े हैं। तो आप में से ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो पहली बार सीईटी दे रहे हैं, तो उनको सारी जानकारी उपलब्ध होगी, या ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहले दे चुके हैं पर किसी कारण से इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी हम रणनीति आपके सामने बनाकर लाए हैं, उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां अब आगे जारी होने वाली जो बिना सीटी होगी, जहां तक हम उम्मीद करते हैं बिना सीटी होने वाली है ये जो भर्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है सरकार इसमें से किसी भर्ती को या इन भर्तियों को सीटी में रख दे, पर जहां तक उम्मीद है ये भर्तियां जारी होने वाली है, पर ये बिना सीटी की होगी। सबसे पहले हम बात करें तो उद्योग अधिकारी जो है इसके कुछ पद जो है आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कर सहायक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी मानी जाती है, कर सहायक बहुत अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट है कर सहायक। उसके बाद हम बात करें उद्योग निरीक्षक, इसकी भी आने वाली है। इसके अतिरिक्त प्रबंध औद्योगिक निरीक्षक डिप्टी जेलर की भी आने वाली, बिल्कुल डिप्टी जेलर अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसको एक आरपीएस या हम कहें आरपीएस के समकक्ष रखा जाता है इस पोस्ट को, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके अतिरिक्त वीडियो को ग्राम सहायकों का, आप सभी को पता है 50 नए जिले बने हैं, और नए जिलों के साथ जो है नई प्रशासनिक लॉबी का भी आप सभी को पता है पुनर्जन्म होने वाला है, नए आरएस की पोस्टें भी बढ़ने वाली है, बहुत सारी पोस्टें बढ़ेगी, जगह जगह ऑफिसेस खुल रहे हैं लगातार सरकार द्वारा जो है, तो निश्चित रूप से वीडियो की पोस्टें भी आपको देखने को मिल सकती है। अभी अभी एक अच्छी वैकेंसी वीडियो की पिछले 2 वर्ष में समाप्त हुई है, तो निश्चित रूप से वीडियो की पोस्ट भी मिलने वाली। इसके अतिरिक्त जो है आप देखिए पटवारी के लगभग 3000 पदों की जो है अभ्यर्थना भेज दी गई है सरकार को, और ये वैकेंसी पटवारी वाली वैकेंसी तो निश्चित रूप से 2900 समथिंग है, लगभग 3000 पोस्ट है, तो 3000 पटवारी की पोस्ट तो होने वाली है जो कि बिना सीटी होगी। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक भी बहुत बड़ी भर्ती है प्रयोगशाला सहायक की, मैं बता दूं आपको लगभग 800 से लेकर 1000 पद आने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी पिछले वर्ष जो है 2022 के अंदर आई थी, आप सभी ने देखा होगा या एग्ज़ाम दिया होगा, किसी कारण से आप इसमें रह गए, तो आपके पास दोबारा मौका है
प्रयोगशाला सहायक बनने का स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन की बहुत बेहतरीन नौकरी है, जिसके साथ आप नौकरी के साथ अपनी आगामी तैयारी को भी कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती भी आने वाली, तो ये कुछ भर्तियाँ थी जो आने की संभावना। इसके अतिरिक्त भी कुछ भर्तियाँ और आ सकती है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है, मैं आपको बता दूँ फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है आरपीएससी के पास अभ्यर्थना भेज दी गई है। निश्चित रूप से 100% सही न्यूज़ है, अभ्यर्थना चुनाव से पहले भेज दी गई थी, परंतु सरकार द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता कि आपको जो है नोटिफिकेशन जारी करना है। हालांकि पद कम भेजे गए थे, लगभग 4000 पदों के आसपास की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास थी, परंतु पद बढ़ने की संभावनाएं निश्चित रूप से है, इसीलिए इस भर्ती को जारी नहीं किया गया था। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाली भर्ती आपको 100% आगामी 1-2 महीने में देखने को मिलने वाली है। और अगर आप एमए हैं और उसके साथ बीएड है, चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, तो आपके लिए बड़ा मौका है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बनने का। आपने आपको राजस्थान एजुकेशन सर्विसेज आपके पद के आगे आरईएस लगाने का बहुत अच्छा मौका है, तो फर्स्ट ग्रेड जो है आप बन सकते हैं। बिल्कुल, हम जो है आपके साथ आपके लिए लगभग तैयार हैं और हम भी आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो वैकेंसी है ये है ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये जो हमारे सामने 8 वैकेंसी है, ये जो है इनकी पदों की संख्या, संभावित पदों की संख्या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। तो निश्चित रूप से ये जो 8 वैकेंसियाँ 24 में से ये 8 वैकेंसियाँ ग्रेजुएशन लेवल जो सीईटी पास हमारे पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा दी जाएगी, परंतु इसमें से कोई भी वैकेंसी जो है जारी नहीं की गई थी, केवल और केवल ये वाली जूनियर अकाउंटेंट के अलावा, जिसका एग्जाम आगामी होने वाला है, कनिष्ठ लेखागार वाला जो एग्जाम है वो होने वाला है, केवल एक भर्ती जारी हुई, इसके अलावा कोई भी भर्ती जारी नहीं हुई थी ग्रेजुएशन लेवल की। तो निश्चित रूप से 2022-23 वाला जो सीईटी है उसके माध्यम से ये एग्जाम तो हो जाएगा, पर ये बाकी जो एग्जाम है इसके लिए निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा सरकार द्वारा जो नेक्स्ट सीईटी है उसके माध्यम से एग्जाम लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये है 12th लेवल वाले, और 12th लेवल वाले में केवल और केवल जो हमारा कांस्टेबल राजस्थान पुलिस जो अधीनस्थ कांस्टेबल अधीनस्थ सेवा जो है कांस्टेबल वाली वैकेंसी वो जारी हुई है, जिसके भी फॉर्म जो है स्थगित कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से आचार संहिता हट चुकी है और कुछ दिनों में है जो वापस इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसा कि आरपीएससी जो है वो वर्किंग मोड में आ चुका है, आप सभी को पता है, कुछ नई डेटें, एग्जाम की डेटें घोषित कर चुका है, इंटरव्यू की डेटें घोषित कर चुका है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भी लगातार काम किया जा रहा है, और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी कांस्टेबल की भर्ती पुनः चालू कर दी जाएगी। तो निश्चित से ये वैकेंसी भी आपके लिए बेहतरीन वैकेंसी। ऐसे हमारे जो साथी जो 12th लेवल सीईटी में बैठे थे और उनके एक ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, तो कांस्टेबल के अंदर एलिजिबल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि सीईटी के बारे में जो जानकारी है उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। और जो हमारे साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे आग्रह, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सीईटी के बारे में हम अगर रणनीति की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम सभी को पता है कि ये 2 स्तर पे होती है, एक तो हो गई 12th लेवल की, एक हो गई हमारी ग्रेजुएशन लेवल की, एक तो स्नातक स्तर की होती है और एक सीनियर सेकेंडरी स्तर की होती है। अब दोनों के सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे परीक्षा पैटर्न लगभग समान है, परंतु सिलेबस में बेसिक्स अंतर है, लेवल में बेसिक्स अंतर है। हालांकि जब एग्ज़ाम हुआ था लास्ट बार तो कुछ दिनों में, मतलब 6-7 दिनों का एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है लगभग दोनों का समान ही आ रहा है। दोनों में ही जो मार्किंग है, हम कहें जो पेपर का स्तर था वो मध्यम और उच्च स्तर का ही मिला, बहुत ईजी पेपर नहीं बना। तो निश्चित रूप से दोनों ही लेवल जो है वो कठिन आने वाले हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा जो है वो इसीलिए ली जाती है ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनको मिनिमम में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब सरकार नहीं चाहती है कि 25-30 लाख लोगों का एक साथ एग्ज़ाम ले, वो चाहती है कि कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों का एग्ज़ाम से ही हम भर्ती करवाएं। तो उसके लिए पात्रता परीक्षा को वो थोड़ा टफ बनाने वाले हैं। निश्चित रूप से परसेंटेज बेस में अगर 40% नहीं बनेंगे तो आप इस आगे आने वाली भर्तियों को नहीं दे पाएंगे। और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है वो भी थोड़ा टिपिकल आया था, पेपर निश्चित रूप से टिपिकल आएंगे और आगे भी आने वाले हैं, तो इसकी रणनीति जरूर देखिए, आगे रणनीति बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो परीक्षा की स्कीम है सीनियर सेकेंडरी स्तर पर क्या रहने वाली है और ग्रेजुएशन लेवल पर क्या रहने वाली है, इन दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लें तो परीक्षा की स्कीम में तो राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, भारत है, और राजस्थान का भूगोल, विशेष
पल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक जीवन, तार्किक विवेचन मतलब जो रीजनिंग वगैरह वो भी आएगी, मानसिक अभियुक्ता ये भी आएगी, रीजनिंग आएगी, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक की विषय घटनाएं, करंट जीके भी इसमें पूछा जाने वाला है। 150 प्रश्न आते, 300 अंक के होते, 3 घंटे का पेपर होना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन जो है वो नहीं होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 के 150 प्रश्न आप अटेंड कर सकते हैं। सामान्य रूप से देखा गया है जितनी भी पात्रता परीक्षाएं होती है, चाहे आप नेट जेआरएफ ले लें, चाहे आप रीट ले लें, चाहे आप सीटेट ले लें, इन सभी के अंदर जो है नकारात्मक अंकन जो है वो नहीं किया जाता है। तो निश्चित रूप से अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए, राजस्थान का कला, साहित्य, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, ये जो सामान्य राजस्थान के विषय हैं इनको जरूर पूछा जाता है। आप लगातार पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर है जो लगातार इन विषयों को लेकर, सीईटी को लेकर अपडेट जारी की जा रही है, लगातार इन टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो जारी कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अगर आप देखेंगे हमारा अगर चैनल खोलें आप, और चैनल में आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट पे, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ देखने को मिलेगा, आप अगर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने राजस्थान का जिला दर्शन, पूरा संपूर्ण जिला दर्शन, और एक हमारे बहुत टीम के बहुत अच्छे सदस्य है ताज मोहम्मद सर, उनके द्वारा करवाया जा रहा है, जो एक बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं राजस्थान के जिला दर्शन को लेकर। आपसे आग्रह है कि एक बार जरूर जाकर उनके वीडियोज़ देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। ऐसे ऐसे तथ्य उठाकर ला रहे हैं जो वास्तव में एग्जाम में आपको एज इट इज छपते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जिला दर्शन कर सकते हैं, जिसमें हमने लगभग 30 जिलों का विवरण दे चुके हैं और पूरे के पूरे 50 जिले हम करवाने वाले हैं आगामी समय में। साथ ही राजस्थान का कला, साहित्य, इतिहास, उसकी भी चर्चा करने वाले। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, उस पर हमारा ये जो ऐप है, ज्ञानार्थ अकेडमी ऐप है, ये आपको उपलब्ध है। आप वहां जाकर जो है हमारा ये ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल, उसके साथ ये जो आपका सिलेबस अगर आपको चाहिए, सीईटी का जो सिलेबस है उसके जो पुराने पेपर है वो भी हम वहां उपलब्ध कराने वाले हैं बिल्कुल निःशुल्क। तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं। तो हम बात करें तो ये राजस्थान का सामान्य साहित्य जो कला एंड साहित्य था वो था, उसके अतिरिक्त राजस्थान का भूगोल, सामान्य भूगोल इसमें पूछा जाएगा, 12th लेवल वाला है। तो निश्चित रूप से 12th लेवल की वैकेंसी नहीं माननी है, हमें ये मान के चलना है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वही पढ़ना है, ताकि 12th और ग्रेजुएशन लेवल हम दोनों एक साथ दे सकें और दोनों की वैकेंसी को क्रैक कर सकें। पिछली बार ये देखने को मिला था कि कुछ पेपर जो थे वो ग्रेजुएशन लेवल से भी टफ थे, 12th लेवल के जो पेपर थे वो ग्रेजुएशन लेवल से भी टफ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा वहाँ पर। दैनिक विज्ञान, विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश, और उसके साथ हमारा जो रीजनिंग है वो भी इसके अंतर्गत आना है। ये हिंदी इंग्लिश आ गया, कंप्यूटर आ गया, और जो हमारा करंट जीके वो भी आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्नातक स्तर की, किसकी बात करेंगे, स्नातक स्तर की बात करें तो परीक्षा की स्कीम सेम ही है, 150 प्रश्न है, 300 अंक है और 3 घंटे का समय है, और साथ ही इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम चर्चा कर लें पाठ्यक्रम की, तो यहां देखिए आप पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव मिलेगा आपको, जो 12th लेवल में पाठ्यक्रम था उससे थोड़ा विस्तृत और उससे थोड़ा जो हम कहें डीप आपको पाठ्यक्रम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यह आपको 12th लेवल में नहीं देखने को मिलता है, पर यहां आ गया है राजस्थान कला साहित्य, वो की वही है, राजस्थान का भूगोल थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया है। उसके साथ हम चर्चा कर लें राजस्थान के भूगोल पर, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था ये थोड़ी सी इसमें ऐड है, हालांकि उसमें भी है, इतनी नहीं है। फिर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है, उसमें आपको भारत की अर्थव्यवस्था नहीं पढ़नी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था दोनों में ही आपको पढ़नी है। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी इसमें भी है, उसमें भी, उसमें दैनिक विज्ञान दी गई है, यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी दी गई है। तो निश्चित रूप से विज्ञान के लिए अगर आप 12th लेवल दे रहे हैं तो आपको विज्ञान पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। बात करते हैं तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, मतलब जो जो हम कहें रीजनिंग वाला पोर्शन है वो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो ये भी आपको कंप्लीट तैयार रखना है। उसके अतिरिक्त सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश जो है, जो नेचुरल हर वैकेंसी में हम पूछते हैं, हर वैकेंसी में हम तैयार करते हैं, वही इसमें दिया गया है, तो इसकी भी तैयार आपको रखना है। और कंप्यूटर का ज्ञान और करंट वाला पोर्शन दोनों के लिए ही तैयार रखना है, जो कि दोनों में कॉमन पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की
तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए एक एडवांटेज होगा कि आपको 12th लेवल की तैयारी के लिए बहुत कम चीज़ें पढ़नी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सीनियर सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रूफ दूंगा कि एक साल का पूरा होगा, तो ये मान के चलिए, देखिए ये सीनियर सेकेंडरी वाला जो परिणाम है 16/5/2023 को आया था। इसका मतलब है 16 मई को एक वर्ष की उसकी जो सीईटी 2023 का हम कहें पात्रता थी या हम कहें वैलिडिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये 16 मई को खत्म होना, और आप सभी को पता है कि मई के महीने से पहले अभी तक कोई एग्जाम नहीं जारी कर सकती, तो इस सीईटी से तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला। हालांकि सरकार फॉर्म भरवा के कर सकती है, पर सरकार जो है वो मैक्सिमम फायदा देखती है। निश्चित रूप से जो नए विद्यार्थी उनको भी मौका मिलेगा, या किसी कारण से कोई विद्यार्थी जो है कम स्कोर प्राप्त कर पाया है तो वो भी अपना स्कोर रिवाइज कर सकता है। तो निश्चित रूप से 16 मई को इसका खत्म हो जाएगा सीनियर सेकेंडरी का, और जो 12th लेवल का है उसका जो है वो 28 अप्रैल को, तो लगभग दोनों आसपास ही खत्म होने वाले हैं। अब बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कार्यकाल जो है वो एक ही वर्ष का है, तो हमने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिया है, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखिए पॉइंट नंबर दो में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है पॉइंट नंबर दो में? कि समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करवाई जाएगी, जो कि 2023 की आयोजित हो चुकी है, अब 24 वाली आपके लिए आने वाली है। और उसके साथ क्या लिखा है कि समान पात्रता परीक्षा का स्कोर का परिणाम की दिनांक, देखिए स्पष्ट लिखा है, जो परिणाम अभी मैंने आपको दिखाया 28 अप्रैल और 16 मई वाला, उस दिनांक से केवल एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तो निश्चित रूप से वो जो 15 वैकेंसियां जारी की गई है उसमें से केवल जो दो वैकेंसी होने वाली है वही 2023 वाली सीईटी से होने वाली है, और जितनी भी बची वैकेंसियां या और जो 24 वैकेंसियां हैं वो भी इसी से आनी है। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि आप जो है 2024 वाली सीईटी की तैयारी में लग जाइए। उसके लिए हम जिला दर्शन आपके लिए, जिसमें साहित्य कला इतिहास और ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो सारा पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे वीडियोस आपको जरूर देखने। आगे हम देख लेते हैं, हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रणनीति पर। देखिए रणनीति किस प्रकार की हो, आपके पास रणनीति पर चर्चा करें तो आपके पास कुल मिलाकर 6 माह का समय है एग्जाम तक, और आप सिलेबस आपने देख ही लिया है, सिलेबस बहुत विस्तृत है, ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट सिलेबस है या बहुत जो इजी सिलेबस है वो नहीं है। सीईटी का जो सिलेबस है बहुत विस्तृत है। निश्चित रूप से इससे आपको वैकेंसी या इससे कोई आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, ये केवल पात्रता है, पर इस पात्रता के बिना आप नौकरी लग भी नहीं सकते। तो निश्चित रूप से अगर ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई आपको क्रैक करनी है तो निश्चित रूप से आपको सीईटी जो है करना ही पड़ेगा, पात्रता हासिल करनी ही पड़ेगी। तो आपके पास 6 महीने की रणनीति है, और 6 महीने की रणनीति में मैं आपको कहूँगा कि जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक जो राजस्थान का नया पोर्शन है, 50 जिलों वाला जो पोर्शन है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उन 50 जिलों को तैयार करना है, और आप भी मान के चलिए कि इन 50 जिलों को तैयार करने के लिए अगर एक जिले में भी एक दिन लगाते हैं तो करीब करीब आपको 2 माह का समय लगने वाला है। निश्चित रूप से आपको 2 महीने लगने वाले हैं हर एक जिले को तैयार करने में। तो निश्चित ही तो 2 महीने तो आपके इसमें चले गए, बचे 4 महीने, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है। आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, वो हो सकता है कि जिलों के साथ तैयार हो जाए, पर आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, और उसके साथ ही करंट जीके भी पढ़ना है आपको। तो निश्चित ही बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है। तो ये जो समय है, मुझे अभी भी लगता है कि 2024 अगर जुलाई अगस्त के अंदर एग्जाम होता है जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा आपके पास अभी भी बहुत कम समय है। तो देर नहीं करनी है, लगातार तैयारी करते रहना है ताकि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या कर सकते हो, इसके साथ आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे भी स्टार्ट होने वाली है, तो निश्चित ही आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो ताकि आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सको। अब बारी आएगी कि सर किससे पढ़ें, क्या हम जो है ये जो गाइड्स मार्केट में उपलब्ध हैं उनका सहारा लें या जो रेफरेंस बुक्स आती हैं उनका सहारा लें? तो मैं आपको बताऊँगा, देखो अब जो समय है वो इस प्रकार का नहीं रहा कि हर कंटेंट के लिए आपको रेफरेंस बुक ली जाए। तो अब मैं आपको एक जो है सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि आप जो है कोई गाइड जो है कोई भी अगर लें, जो अच्छी प्रीमियम गाइड है, अच्छी जो कंटेंट उपलब्ध कराती है,
गाइड कोई भी ले उसके साथ अपने नोट्स जरूर तैयार करें ताकि एग्जाम के समय आप रिवाइज कर सकें। और एक फ़ायदा और होगा नोट्स तैयार करने का, सीटी में हो सकता है आपके दो चार नंबर ज़्यादा बने या कम बने, पर उसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है उनका भी सिलेबस यही रहने वाला है। तो आपको दोहरा फायदा है सीटी तैयारी करने से कि एक तो आप उसके लिए पात्र हो जाएंगे वैकेंसी के लिए, और वैकेंसी जब आएगी तब वो नोट्स और जो आपकी तैयारी पहले से कर रखी है वो आपको सफलता के और थोड़ा नज़दीक ले जाएगी। तो निश्चित ही आप जो है इस रणनीति को अपना सकते हैं, सबसे पहले 50 जिलों को तैयार करें, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज वाला जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ कर दें, और उसके साथ नोट्स जरूर तैयार रखें ताकि सीईटी के बाद जो भी वैकेंसी जारी होती है तुरंत आप उसको देकर अपने एग्जाम को क्रैक करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको फटाफट जो है ये चीजें बता दी जाए ताकि आपका कम समय लेकर हम ज्यादा से ज्यादा आपको अपना जो उपयोगी समय है उसको बचा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों। आपका अगर कोई सवाल है हमसे तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम आपको रेगुलर जवाब देते रहेंगे। इसके साथ ही स्क्रीन पर हमारे नंबर है, वहां आप व्हाट्सएप करके जो है अपनी कोई क्वेरी है इस वैकेंसी को लेकर, इस पात्रता परीक्षा को लेकर या किसी भी वैकेंसी को लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।